हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैटकम डिज़ाइन में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कोई असेंबल्ड प्रोडक्ट अगर बना हुआ है तो उसकी बिल ऑफ मटेरियल कैसे जनरेट किया जाता है, क्वांटिटी, पार्ट नेम, ये सारी चीज़ें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं अपना क्रियो। क्रियो ओपन करने के बाद सबसे पहले सेट करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी के लिए आपको अपने उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपको वाली फाइल रखी हुई है। यूट्यूब हो गया, कैट कैम डिज़ाइन हो गया, सेट इज़ ए वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी सेट करिए, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इनकी। अब सबकी क्वांटिटी, इनकी लिस्ट अगर हमें बनानी है, पार्ट लिस्ट, तो बताते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले ये पार्ट ओपन करने के बाद जाइए न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद जाइए ड्राइंग पे, इनको मैं नाम दे देता हूँ बिल ऑफ मटेरियल। ओके, एम्प्टी कर देता हूँ इसे और साइज़ रख देता हूँ A4। ओके, एम्प्टी शीट आ गई। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ड्राइंग शीट ओपन करके पार्ट्स आप अपना इस पर ड्रैग करते हैं। तो जनरल पर जाके क्लिक करिए, आइसोमेट्रिक करिए, ओके कर दीजिए। इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 0.2, 0.15, ओके। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, सो कर देते हैं 0.1, ओके। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब इसकी लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले टेबल जनरेट करते हैं। टेबल कैसे होता है, टेबल पे क्लिक करिए, टेबल पे जाइए और अभी मैं ले लेता हूँ 3 कॉलम्स ओनली। इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। अब बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए सबसे ऊपर वाले जो रो है, इसके अंदर आप मैन्युअली फीड करते हैं। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ सीरियल नंबर, दूसरे में डाल देता हूँ पार्ट नंबर, थर्ड में डाल देता हूँ क्वांटिटी। ये सेट हो गया। हाँ, तो अब आप इसको नीचे वाले को सेलेक्ट करिए, इस पर नीचे राइट क्लिक करिए और इसको कर दीजिए आप ऐड रिपीट रीजन। ऐड रिपीट रीजन करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये पूरी ब्लू लाइन से इस पर कवर हो गया। मतलब इसमें ये पता लग रहा है कि कितने पार्ट्स रिपीट रीजन में सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको जाके स्विच सिम्बल्स कर लीजिए, तो ये रेड, इसे रेड लाइन से ये पता लग रहा है कि आपका ये सारे पार्ट्स रिपीट रीजन में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप इनको अनचेक कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, जब रिपीट रीजन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये फॉर्मूला ओपन होगा जिसमें सीरियल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है। आप सेलेक्ट करिए रिपीट इंडेक्स, पार्ट नंबर के लिए आप करिए असेंबली मेंबर नेम, क्वांटिटी के लिए करिए RPT क्वांटिटी। ये तीन चीज़ ओपन कर लिए। इसमें डिस्क्रिप्शन, हीट लोड, वो सारी चीज़ें भी आ जाती है। मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि बिल ऑफ मटेरियल के लिए आपकी क्वांटिटी और पार्ट का नाम किस तरीके से और इसमें बलून क्रिएट कैसे करते हैं, मैं आपको आज के व्लॉग में ये बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक होने के बाद आप आ जाइए इस पर। आप जैसे अपडेट टेबल्स करेंगे तो देखिए पार्ट की लिस्ट खुल के आ गई जिसमें सीरियल नंबर आ गया, पार्ट के नंबर्स आ गए। अब जैसे मैंने किसी के पार्ट नंबर ना डाल के उसका नाम डाल दिया तो यहाँ पर जाली करके नाम आ गया, वरना Part 1, Part 6, Part 3 ये सब इंडिविजुअल इसमें पार्ट्स यूज हुए। अभी देखिए इसमें क्वांटिटी शो नहीं कर रहा है। क्वांटिटी इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स भी पार्ट्स हैं, जितने भी इसमें पार्ट्स हैं सब इंडिविजुअल खुले हुए हैं, तो हमें इसमें से डुप्लीकेट्स ही हटानी है। डुप्लीकेट्स हटा देंगे तब आपको ये पार्ट नंबर प्रॉपर क्वांटिटीज की दिखना शुरू हो जाएगी। तो डुप्लीकेट्स ही कैसे हटाते हैं, अब आप चले जाइए रिपीट रीजन पे, फिर आप चले जाइए एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स पे जाने के बाद आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ये पूछेगा नो डुप्लीकेट्स, नो डुप्लीकेट्स पे क्लिक करके आप कर दिए डन, ओके। तो अब आप देखिए कि अब आपको ये फ्रंट केस हो गया, मतलब ये एक असेंबली का पार्ट है। फ्रंट केस कितना हो गया, 1। ऐसी जाली 3 हो गई, फ्रंट दोनों साइड्स की और एक बैक साइड की। तो वैसे ये सारे पार्ट्स की इसमें क्वांटिटी आ गई। आप इसके साइज को थोड़ा छोटा बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से। ये सब मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कैसे साइज एडजस्ट करी जाती है। आप इनको सेलेक्ट करके
एक्स स्टाइल पे जाइए और आप इसको सेंटर कर दीजिए। तो आपकी एक ये जनरल सी टेबल खुल के आ गई, जिसमें आपको पता लग रहा है कितने तरीके के इसमें 15 पार्ट्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसके अंदर उनकी उसके अंदर ये कितने पार्ट्स लगे हुए हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी लगी हुई है वो देखिए। जैसे इसके अंदर नट बोल्ट्स कितने लगे हुए हैं, 61 लगे हुए हैं, फ्रंट केस 1 हो गया। तो ये इसकी डिटेलिंग आ गई। अब आपको इसको बताना है कि इसमें पार्ट्स कौन से हैं जो इसमें यहाँ पे लिस्ट आउट हो रहे हैं। तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ये बैलून क्रिएट बैलून्स करके आ रहा है। आप इस पर क्लिक करिए और ऑल पे क्लिक करिए, तो ये इसमें बलून्स जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप इसको अब जो अपने आप जो फीडेड होता है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता, हल्की फुल्की उसमें मर्जिंग हो जाती है। तो आप इसको बाद में आगे पीछे करके थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं हल्का। अब जैसे इसमें ये दिखा रहा है कि सीरियल नंबर 1 फ्रंट केस है, 1 कहाँ है, ये देखिए ये 1 है और ये फ्रंट केस के ऊपर ये दिखा रहा है एरो। अब आप इस एरो को थोड़ा बहुत इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे ये 2 पे क्या आ रहा है, जाली। अब यहाँ पे 2 कहाँ है, ये देखिए 2 ये आ रहा है, बट ये फॉर्मूला फीडेड खुद से है, तो अब ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आप इसको खुद से अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर लोकेशन के साथ। तो आप इसको एडिटर से अटैचमेंट कर दीजिए, इस पे जाइए, राइट क्लिक करिए, एडिट अटैचमेंट करिए, ऑन सरफेस करिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए और आप इसको डन रिटर्न कर दीजिए। अब देखिए ये प्रॉपर जगह पे आ गया 2। अब ये 2 का मतलब क्या हो गया, जाली को शो कर रहा है। अब जैसे पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर 4 आपका ये दिखा रहा है बेस टैंक जो है वो एकदम बॉटम को पकड़ लिया है। तो उसको चेंज रेफरेंस कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर करके इसको डन कर दीजिए। अब ये पार्ट नंबर 4 कौन सा है, पार्ट नंबर 1 कौन सा है हमारा, ये यहाँ पे पार्ट नंबर ये 1 शो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ग्रीन कलर जिस पे मेंशन करा है वो ये वाले पार्ट्स हैं। तो ये हो गया इसके बलून्स, बलून्स आपको शो कर रहे हैं कि कौन से पार्ट हैं ये और उसकी कितनी क्वांटिटी है वो शो कर रहा है, और पार्ट का नंबर शो कर रहा है। आप इसमें पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन, हीट लोड, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका सेव हो गया। अब आप इसको मैनुअल अगर करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। अगर आपको मैं मैनुअली करके दिखाता हूँ कि अब अगर आपको इसको मैनुअली जनरेट करना है, तो आप मैनुअली जनरेट करने के लिए एनोड पे जाइए, एनोड पे जाने के बाद बैलून नोड पे जाइए, फिर आप विथ लीडर कर दीजिए, ये सब सारी चीज़ों के हम ये ओके हो गया। अब आप इस पे जाइए, ऑन सरफेस हो गया, एरो हो गया, फ्रंट केस आपका ये हो गया, ओके करिए, ओके करिए, एंड आपको ओके करिए, इसको कर दीजिए 1, ओके क्लोज डन। ये आ गया आपका नंबर 1। वैसे ही नंबर 2 कह रहा है जाली, नंबर 2 के लिए आप फिर से नोट पे चल जाइए, जाइए मेक नोट पे जाइए, एरो हेड के साथ जाइए, जाली पे क्लिक करिए, ओके करिए, डन करिए, 2 जाइए, यस करिए, क्लोज करिए, डन करिए। ये आपकी 2 नंबर हो गए। इस तरीके से आप ये सारे पार्ट्स को मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। तो होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। कोई कन्फ्यूज़न हो दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।